मेरे ज्यादा अच्छे हैं। नहीं नहीं मेरे अच्छे हैं, तेरे बेकार है। ऐसे ना मेरे शूज हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बात बताओ कि हम इतनी बढ़िया मौसम में शूज के पीछे क्यों लड़ रहे हैं अंकल? अरे मौसम तो बढ़िया है, लेकिन बात की जाए अगर इस टाइम में सबसे ज्यादा चॉकलेटी बाय जो कोई सबसे ज्यादा मशहूर है और हाल फिलहाल में उनकी शादी में बात कर रहा हूँ, रणबीर कपूर की। और आपको बता दूं कि रणबीर कपूर कितने बड़े स्नीक फ्रीक हैं। जी हाँ, उनको इतना ज्यादा शौक है स्नीकर्स का जैसे हमने पहने स्नीकर। लेकिन बात की जाए तो उनके स्नीकर्स की कलेक्शन तो मतलब हजारों में लाखों में वो शूज पहनते, चाहे वो नाइकी हो एडिडास हो, लेकिन जो जॉर्डन्स का उनको क्रेज है नाइकी के, मतलब ऑसम। और इस पर उन्होंने काफी बड़ी स्टेटमेंट दी है, काफी एक बड़ा इंटरव्यू में एक बयान दिया है, एक उन्होंने बात कही है, वो तो आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन शिवानी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको शूज से कितना ज्यादा लगाव है, क्योंकि लड़कियों ज्यादातर हील्स पहनती है, बिल्कुल आप मुझे जूती पहनती है, लेकिन शूज से कितना आपको प्यार है? देखो शूज से हम लड़कियों को ज्यादा प्यार नहीं होता, क्योंकि हमें हील्स पसंद आती है, बेशक वो ब्लॉक हील्स हो, प्लेटफॉर्म हील्स हो, जिससे भी कंफर्टेबल हील होती है वो ज्यादा हमें पसंद आती है। लेकिन शूज ऐसा नहीं है कि हर लड़की को हील्स पसंद आती है, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्हें शूज पसंद आते हैं। लेकिन जो शूज का क्रेज लड़कों के अंदर देखा जाता है, क्योंकि एक तो स्पोर्ट्स पर्सन हर लड़का कोई ना कोई स्पोर्ट्स तो खेलता नजर आता ही है, बास्केटबॉल कह लो, वॉलीबॉल खेलो, और क्रिकेट, क्रिकेट तो हर गली में बच्चा बच्चा क्रिकेट खेलता है, और फुटबॉल भी। बिल्कुल, और फुटबॉल में शूज की कितनी अहमियत है ये आप सभी को जानते हैं। गोल्ड, जबकि रोनाल्डो जैसे ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास गोल्ड के शूज हैं। बिल्कुल, और उसके साथ साथ आपको पता होगा कि डांसर जो है वो तो शूज को उतार कर अगर सामने रख दे तो वो एक तरह से ट्रिब्यूट है। जी, क्योंकि डांस के इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके पास डांसिंग शूज नहीं है तो आप स्टेप्स कर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल, फ्लोर ही वैसा होता है। बिल्कुल, इसीलिए वो मैंने कभी किसी शो में देखा है कि उन्हें अगर ज्यादा ट्रिब्यूट देना होता है तो वो अपने शूज उतार के सामने रख देते हैं, कि मतलब हमारे पैरों की थिरकन भी इतनी थिरकती नहीं है जितने आपके पैर थिरक रहे हैं। जी, और बात की जाए तो शिवानी ने अपनी राय बता दी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, रणबीर कपूर ने कहा है कि मेरा जो भी फर्स्ट चाइल्ड होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं उसको स्नीक फ्रीक बनाऊंगा। जी हाँ, जैसे वो खुद स्नीकर्स के शौकीन है, वो चाहते हैं कि मेरा आने वाला जो बच्चा है वो भी स्नीकर्स का शौकीन बने, और मैं ये लेगेसी अपने से उस मतलब जो आने वाले मतलब पुश्तों की दी हुई अपनी आगे जनरेशन तक भी चलाऊंगा। और मैं चाहूंगा कि वो इस पूरे क्रेज को जो है मार्केट में वैसे बरकरार रखे जैसे मैंने रखा है, और ऐसे नए मतलब जैसे अलमारी उन्होंने भरी अपने घर में, वैसे उनकी भी अलग अलमारी, और मैं जो पहनू वही छोटी वर्जन में वो पहने, तो ऐसा पूरा बाप बेटी का या बेटी का जो कलेक्शन है कॉम्बिनेशन वो बनेगा, मतलब ट्विनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं इस बार। तो अब आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं शूज आप भी पहनते होंगे, आपको कौन से शूज ज्यादा पसंद है, और अगर आप लड़की हो तो आपको हील्स ज्यादा पसंद है, शूज ज्यादा पसंद है, भी जरूर बताएं। और आप जिन जो कि फुटबॉल भी खेलते हैं, रणबीर कपूर तो काफी अच्छे प्लेयर हैं, तो उनको तो शूज का अलग ही क्रेज है, लेकिन आपको कितना ज्यादा क्रेज है हमें जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारी वीडियोस को ऐसे प्यार देते रहे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।